अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद पूरे देश का किसानों में खुशी का माहौल है। वहीं सितारगंज के किसानों ने भी कृषि कानून वापस होने पर मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाई दी। बता दें कि बीजेपी सरकार ने एक साल पहले किसानों के लिए तीन कृषि कानून बनाए थे, जिन्हें किसान काले कानून बता रहे थे और वापस लेने की मांग को लेकर पिछले एक साल से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे थे। गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए उन्हें वापस लेने की घोषणा की है। भारतीय किसान यूनियन चरूनी के ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र पाल सिंह ने गुरु पर्व की बधाई देते हुए कहा है कि किसानों की मांग सही थी। उन्होंने कहा कि अभी आंदोलन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। जब तक केंद्र सरकार एमएसपी पर कोई कानून नहीं बनाती और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लेती, तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। नानकमत्ता से जगपाल सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहले आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ये खाली किसान की जीत नहीं हुई, ये हर एक भाई की जीत हुई है जो अनाज खा रहे हैं आज अपने देश में। जो कि कानून एक साल पहले रद्द हो जाने चाहिए थे, वो आज रद्द हुए हैं। कईयों के वहम निकल गए कि ये तो कानून बिल्कुल ठीक है, किसान अपनी अड़ी कर रहे हैं, किसान ठीक नहीं है। चलो खैर, ये तो सुनिश्चित हो गया कि किसान अपने हक के लिए बैठे थे और वो आंदोलन की जीत अब शुरुआत कर दी है। अभी ये कानून रद्द होने में और करने में बहुत फर्क है। अभी जंग ये नहीं कि अपनी जंग खत्म होगी, अभी अपनी जंग और चलनी है, जिसमें मुद्दे हैं एमएसपी की, अभी हमें गारंटी भी चाहिए। जो किसानों पे हमारे पर्चे हुए हैं वो पर्चे भी रद्द करवाने हैं। लखीमपुर जैसी हिंसा का इंसाफ अभी किसानों को नहीं मिला, वो भी अभी मिलना है। खैर, अच्छी बात है कि सरकार अब सुन रही है, तो सरकार को सुनना भी चाहिए था। बहुत बड़ी है हमारी यहाँ जीत हो रही है और इसमें सबका बहुत योगदान रहा है। हमारे भाई हो गए, गांव के बुजुर्ग हो गए, सारे आप देख सकते हैं, सब खुशी मना रहे हैं, आज लड्डू खिलाए जा रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया एक उत्सव है आज गुरुपूर्व के दिन, जो बहुत बढ़िया हमको सबको न्यूज़ मिली है। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई।